आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात करेंगे मेष सिंह और धनु राशि के जातकों की। कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन? मेष राशि, विवाह के सुनिश्चित होने की दिशा में अच्छी सफलता मिलती हुई लग रही है। आर्थिक लाभ के साथ नौकरी में सम्मान के वृद्धि का योग बन रहा है। सावधानी, आज के दिन मांसाहार न करें। उपाय, आज अनाथालय में अन्न का दान दिन को और बेहतर बनाएगा। आज आपके सफलता का मीटर 85% है, अर्थात भाग्य पूरा आपके साथ है। सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 85% है। सिंह राशि, आपके द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य में थोड़ी बाधा दिखाई देती है। अनावश्यक यात्रा करने के लिए भी आज आप विवश हो सकते हैं, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। सावधानी, यात्रा में सावधान रहिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। उपाय, आज के दिन भगवान रुद्र को दूध का अभिषेक करें, दिन और बेहतर होगा। आज आपके सफलता का मीटर 65%, सेहत का मीटर 60% और संबंध का मीटर 65% अंक प्रदान कर रहा है। धनुराशि, मन में चल रही निराशा आज समाप्त हो जाएगी। इच्छा के अनुसार नौकरी में परिवर्तन होगा। धन कमाने की दिशा में नया अवसर मिलने वाला है। घर अथवा वाहन खरीदने की दिशा में किया गया प्रयास आज सार्थक होने जा रहा है। सावधानी, बिना सोचे किसी कागज पर दस्तखत न करिए। उपाय, गरीबों में अन्न का दान आज के दिन को और शुभ एवं लाभदायी बनाएगा। आज आपके सफलता का मीटर 80% है, सेहत का मीटर 75% दर्शाता है, संबंध का मीटर 85%। आचार्य जी, अब भाग्य चक्र के अनुसार बात करेंगे मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। जी मिथुन राशि, आज आपको माता अथवा पत्नी से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। कैरियर के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी। सपरिवार आप कहीं घूमने का प्रोग्राम भी बनाएंगे। सावधानी, आज तेज वाहन चलाने से बचिएगा। उपाय, काले तिल का लड्डू गरीबों में बांटें और आज का दिन और भी बेहतर बनाने के लिए भगवान सूर्य को प्रणाम करके घर से निकलें। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 85% और संबंध का मीटर 85% रहेगा।